ऊपर दे दो सिंपी, दे दो कितना दो। उसके लिए भी प्रेशर कि बच्चों को नहीं देखती, ये नहीं देखती। फिर मैंने भी डिसाइड किया कि करके भी वैल्यू नहीं है ना, क्या फ़ायदा करके भी। मैं सुबह जाती थी, शाम को आती थी, प्लस इनका सुनना, बच्चों का करना। फिर मैंने भी डिसाइड किया जो होगा सो होगा। मैंने भी फिर रीजन देकर छोड़ दिया। There's been a decline in women's participation rates, which is worrying because it gives a very strong message that it is the women who are the caregivers. One of the reasons women had to leave even the scarce, rare employment opportunities that women have because of their caregiving roles. So we need a caregiving economy for women to stay in workplace. And Indian women's workforce participation contributes to less than 20% of India's GDP. गर्ल्स को इन्फीरियर माना जाता था लड़कों के हिसाब से, उनको सिर्फ घर के काम करने में ही लगाया जाता था। एक्चुअली उन लड़कों का हाल, लड़कियों का हालत ऐसा था कि घर के काम सुबह करते थे और दिन भर स्कूल, पढ़ाई लिखने का भी उनको टाइम नहीं रहता था। तो मुझे इन सब में पढ़ना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी पढ़ लोगी तभी कुछ तो होने वाला है, नहीं तो इनके जैसा ही हालत होगा। फिर गाँव में शादी करा दी जाएगी, खेतों में काम करना पड़ेगा। की रिपोर्ट रहेगा फिर अब निकलेंगे वो। चलो साहब, औरत होना क्या गुनाह है, लड़की होना क्या गुनाह है? क्या वो बात कर पा रही है, ये गुनाह है, या फिर वो बाहर कमाने जा रही है, ये गलत है? मैं ये सारे सवालों का जवाब अकेले ढूंढती फिर रही थी। आज तक तो मैंने अकेले ही ढूंढा है ये सारे आंसर, और मुझे इतने दुख हो रहा था कि मैं ईमानदारी से कमाती हूँ, फिर भी मेरे ऊपर प्रश्न थोपा जाता है जिसको मैं कभी कभार फेस कर नहीं पा रही थी। The difference and the future what it holds with women or without women for the country is at stake, but also women's own lives, women's personal aspirations. As I said earlier, women's aspirations have changed.